वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम इंग्लिश फॉर एवर। पीटीएस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीटेल लेक्चर के बारे में। देखो, रीटेल लेक्चर 5 to 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं रीटेल लेक्चर के अंदर, जिनकी वजह से उनके लिसनिंग के अंदर मार्क्स कम हो जाते हैं। दे एंड अप लूजिंग 2 to 3 मार्क्स इन देयर लिसनिंग मॉड्यूल। क्या गलती है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। मैंने जब पीटी रियल एग्जाम दिया तो मेरे स्पीकिंग के अंदर फुल 90 out of 90 मार्क्स बने, बट जो लिसनिंग वाला मॉड्यूल था उसके अंदर मेरे 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया ऑफिशियल, कंसिस्टेंटली मैं 3 मॉड्यूल्स के अंदर 90 out of 90 स्कोर कर रहा था, बट लिसनिंग जो मॉड्यूल था ना उसके अंदर 2 to 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। लेटर ऑन आई रियलाइज कि इट इज बिकॉज ऑफ द रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर के अंदर मैं क्या मिस्टेक कर रहा था कि मैं कीवर्ड्स बोल के आता था वहां पे। कीवर्ड्स की बजाय आपको फ्रेज का यूज करना होता है। कीवर्ड्स सजेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आप कीवर्ड्स लगा रहे हो आपके मार्क्स पक्का डिडक्ट होने वाले हैं रीटेल लेक्चर के अंदर। फ्रेज कैसे यूज करना होता है, मैं कैसे फ्रेज यूज करके आया वहां पे, इस वीडियो के अंदर मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। देखो, रीटेल लेक्चर जो होता है ना वो 3 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्टेंट पार्ट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का लेना देना आपकी स्पीकिंग से होता है। आप कोई भी टेम्पलेट फॉलो कर लो, अगर आप अपने वर्ड्स को क्लियरली बोल के आ रहे हो, एक फ्लुएंसी आपने मेंटेन की हुई है, आपके फुल मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग मॉड्यूल में। बट लिसनिंग मॉड्यूल में आपके मार्क्स तभी जाएंगे जब आपका कंटेंट पिक होगा। कंटेंट पिक कराने के लिए ही आपको फ्रेजेस बोलना जरूरी है। कीवर्ड्स आपको कंटेंट में कम स्कोर कराते हैं, दैट मीन्स आप लिसनिंग में मार्क्स कम स्कोर करोगे। नाउ मैं आपको सबसे पहले टैम्पलेट शो करता हूँ जो मैंने रियल एग्जाम में यूज किया था। ओके, सो दिस इज द टैबलेट ऑन योर स्क्रीन। टैबलेट के अंदर 8 to 9 लाइंस है। फर्स्ट लाइन है, द लेक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइटल। उस टाइटल के अंदर आपको एक छोटा सा फ्रेज डालना होता है। फ्रेज पिक कैसे करते हैं, फ्रेज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक दो क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाउन्स पिक करो, वर्ब पिक करो, ये पिक करो, वो पिक करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। जो चीज आपसे पिक होती है आप वो पिक कर लो लेक्चर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद द लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर डैश एंड डैश, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर डैश एंड डैश। यहाँ पे आपको फ्रेजेस पुट करने हैं। मैंने यहाँ पे 10 फ्रेजेस लिखे हुए, फ्रेज नंबर 1 से लेके फ्रेज नंबर 10। बहुत सारे स्टूडेंट 10 फ्रेजेस नहीं पिक कर पाएंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 10 फ्रेजेस पिक करो। आपसे 5 या 6 फ्रेज पिक होते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट। बाकी के टाइम पे आप उन फ्रेजेस को रिपीट कर दो। 6 यूनिक फ्रेज पिक करो, बाकी वाले क्वेश्चन में सेम फ्रेजेस को रिपीट कर दो। रियल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में लाइन है, फर्दर मोर द स्पीकर हैज प्रूवन दिस बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज रीजंस, इन कंक्लूजन द लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। कोई लाइन अगर आपको टफ लगती है आप रिप्लेस कर सकते हो इसको किसी भी लाइन के साथ में। जैसे 8th वाली जो लाइन है ये स्टूडेंट्स को अक्सर टफ लगती है, फर्दर मोर द स्पीकर हैज प्रूवन दिस बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज रीजंस। किसी को लर्न नहीं होता, आप ये वाली लाइन कट कर दो, सीधा लास्ट लाइन बोल दो, इन कंक्लूजन द लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। स्पीकिंग में यू विल एंड अप स्कोरिंग फुल मार्क्स, लिसनिंग के अंदर भी आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। ये सारी चीजें मैंने मॉक टेस्ट में, रियल एग्जाम में टेस्ट की हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन रियल में करके दिखाता हूँ कि मैंने रियल एग्जाम में कैसे सॉल्व किया था उनको। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। रीटेल लेक्चर वाली टैब में हम जाएंगे। कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, पेज नंबर 5, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन ही कीवर्ड्स लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि क्या क्या फ्रेजेस, क्या क्या वर्ड्स पिक कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से रीडू करता हूँ। ओके, Our society is just more and more mobile. Everything is on the move. I mean, the good part is convenient. You can drink coffee anywhere. You don't have to stay in the diner. You can be in the subway. You can be walking. The bad part is it's harder to savor a coffee when you're taking it on the road. The first patent for a lid on a cup was in 1934, but it was for cold beverages. And in 1950, this guy named James Ruff Snyder invented the first snap-on lid, but it didn't have an opening for drinking. In the 60s, there was this huge cultural shift where people started drinking coffee on the move. And 7-Eleven was the first to sell coffee to go. And then came this revolution in 1967. A man named Alan Frank invented a lid that you could peel a tab off, like in the shape of a guitar pick, and drink it from there. In 1975, another big advance, you could peel back a tab. Okay, main yahi pe pause kar raha hu. Itne phrases enough hai.
56 सेकंड्स हो गए. एग्जाम के अंदर यूजुअली लेंथी रीटेल लेक्चर नहीं आते हैं. किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसके पास आ जाएगा लेंथी, अदरवाइज 1 मिनट के आसपास का टाइम रहता है वहां पे. सो इतने जो भी फ्रेजेस मैंने नोट डाउन किए हैं फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है. अगर आप लोग इतने नहीं नोट कर पा रहे हो, अगर एक दो फ्रेज आपका कम भी हुआ है, 2-3-4 फ्रेज आप रिपीट कर सकते हो, रियल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, वहां पे आपको बुकलेट मिलेगी. ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे टाइप किया तो कुछ स्पेलिंग्स मिस हुए होंगे, ठीक है, और टाइपिंग की स्पीड यूजुअली कम होती है तो वहां पे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो. नाउ अभी स्टार्ट करते हैं इसको स्पीक करना. द लेक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सोसाइटी. इट इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर. फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर एवरीथिंग इज ऑन द मूव एंड स्टे ऑन द डाइनर. From the lecture, I can hear save a coffee and lid on the cup. From the lecture, I can hear cold beverages and opening for drinking. From the lecture, I can hear cultural shift and drinking coffee on the move. From the lecture, I can hear revolutioning in 1967 and peel a tab off. It is a very informative lecture. Furthermore, the speaker has proven this by providing all these reasons. Now, यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे इनकी जगह पे on बोल दिया. That's okay, कोई problem. यहाँ पे रेवोल्यूशनाइजिंग था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी रेवोल्यूशनाइजिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत ही लिखा हुआ था. वहां पे आपको नोटबुक मिलेगी, आराम से आप लिख सकते हो, ये टाइपिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, वर्ड जो भी आप बोलते हो वो क्लियरली बोला होना चाहिए. प्रोनाउंसिएशन मैटर करेगी रिटेल लेक्चर के अंदर. स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने जैसे रेवोल्यूशनिंग बोल दिया, वो कोई वर्ड नहीं है, गलत वर्ड बोलने से बचना है आपने. रेवोल्यूशनाइजिंग बोल दो उसको, रेवोल्यूशन बोल दो उसको, गलत वर्ड मत पढ़ो वहां पे. बाकी सारे कीवर्ड्स मैंने एज इट इज बोले. टू टू वर्ड वाले भी मैंने फ्रेज छोटे छोटे पिक किए, कोल्ड बेवरेजेस, आवर सोसाइटी, सब चल जाता है रियल एग्जाम में. कल्चरल शिफ्ट टू टू वर्ड वाले हैं. ऑन द मूव, ये बीच में ये छोटे छोटे से वर्ड हैं, इज ऑन द मूव, दिस विल वर्क इन रियल एग्जाम. अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं. The lecture gives information about our society. It is a very informative lecture. From the lecture I can hear everything is on the move and stay on the diner. From the lecture, I can hear save a coffee and lid on the cup. From the lecture, I can hear cold beverages and opening for drinking. From the lecture, I can hear cultural shift and drinking coffee on the move. Perfect. 83 बने हैं real exam के अंदर, ये अच्छे खासे स्कोर कर देगा. अगर आप हल्की फुल्की छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो ना, PT ignore कर देता है. इतना lenient marking करता है PT. Otherwise, 90 out of 90 बहुत ही rare कोई स्कोर कर पाएगा. जितने भी लोग 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करते हैं ना, आप उनसे पूछ लेना, वो खुद मिस्टेक्स करके आते हैं. मैं खुद रियल एग्जाम में कई बार मिस्टेक करके आता हूँ छोटी छोटी, बट वो मिस्टेक्स बहुत माइनर होती हैं. PT इग्नोर कर देता है. आंसर शॉर्ट क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही नहीं होते, कुछ एक सही हो जाते होंगे, कुछ तो गलत होते हैं. MCQs कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता उनके ऊपर, फिर भी 90 बन जाते हैं. सेम चीज़ अगर आप हल्की फुल्की गलती करते हो, इवन रीड अलाउड के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक करते हो तो इग्नोर हो जाती है. मेजर मिस्टेक जब स्टूडेंट करता है ना, उसके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होते हैं. Now, this was all about retail lecture. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और सॉल्व करके दिखाता हूँ. You can also note down the keywords along with me. How are we raising our children? Are we raising them for now instead of yet? Are we raising kids who are obsessed with getting A's? Are we raising kids who don't know how to dream big dreams? Their biggest goal is getting the next A? Or the next test score? And are they carrying this need for constant validation with them into their future lives? Maybe because employers are coming to me and saying, we have already raised a generation of young workers who can't get through the day without an award. So what can we do? How can we build that bridge to yet? Here are some things we can do. First of all, we can praise wisely, not praising intelligence or talent. That has failed. Don't do that anymore. But praising the process that kids engage in, their effort. Okay, this much is again sufficient. 1 minute ke andar maine finish kiya. Itne se phrases more than enough hai aapko full marks dilane ke liye. Theek hai? Main start karta hoon bolna. The lecture gives information about raising our kids. It is a very informative lecture. From the lecture, I can hear, are we raising kids and who don't know dreams? From the lecture, I can hear their big goals and carrying this need. From the lecture, I can hear into their future lives and already raised a generation. From the lecture, I can hear without an award and what can we do? From the lecture, I can hear praise wisely and not praising intelligence. It is a very informative lecture. Furthermore, the speaker has proven this by providing all these reasons.
submit. The lecture gives information about raising our kids. It is a very informative lecture. From the lecture, I can hear, are we raising kids and who don't know dreams? From the lecture, I can hear their big goals and carrying this need. From the lecture, I can hear into their future lives and already raised a generation. The lecture gives information about raising our kids. It is a... Abhi, this time, it has given me 90 out of 19 content. Pronunciation mein 54, fluency mein 68. रियल एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? इन एप्स पे होता क्या है, स्पेशली इस ऐप पे, एपी यूनी पे, ये बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करता है. बैकग्राउंड नॉइज अगर ये कैप्चर करेगा, ये मार्क्स नहीं देगा. आप कितना भी क्लियरली बोल दो वहाँ पे, कितनी भी अच्छी आपकी टोन है, मैंने रियल एग्जाम में 90 out of 90 लिए हुए, मॉक टेस्ट में 90 out of 90 लिए हुए, बट फिर भी यहाँ पे 90 स्कोर नहीं हो पा रहा. दैट्स ओके, ठीक है? आप अपनी वॉइस को अपने टीचर से जरूर चेक कराओ. आप कोई भी टैबलेट फॉलो करते हो, वो टीचर से जरूर चेक कराओ, क्या हमारे 90 के लायक टेम्पलेट है, या जो बोलने का तरीका है हमारा, क्या हम उसके अकॉर्डिंग बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं. टीचर आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे देगा, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होता है. ऑलराइट गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द रीटेल लेक्चर. ये शॉर्ट वीडियो सीरीज थी, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा. मेन जो पॉइंट आप लोगों को बताना था कि कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग के परस्पेक्टिव से. तो जिन स्टूडेंट्स के टारगेट 65 ईच है, 79 ईच है, 60 अबव, उन लोगों को जाना है. फ्रेजेस पिक करना स्टार्ट करो. अगर आप फुल फ्रेज नहीं पिक कर पा रहे हो, तो आप कीवर्ड्स के साथ उनको मैच कर सकते हो. बीच में कुछ कुछ जगह कीवर्ड्स लगा दो, कुछ कुछ जगह फ्रेज पिक कर लो, तब भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. कीवर्ड्स वही स्टूडेंट बोले जिसका टारगेट ज्यादा नहीं है, जिसको सिर्फ 50 ही लेना है. बट अगर उससे ऊपर का आपका टारगेट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेजेस पिक करना स्टार्ट कर दो. स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट एक टाइम के बाद आप लोगों को इनकी आदत हो जाएगी. आप अपने 2 या 3 मार्क्स लूज होने से बचा लोगे लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर. अगर आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए होती हैं, स्पीकिंग आप लोगों की पिक नहीं हो पा रही है, रीडिंग के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. विल बी देयर टू हेल्प यू. नंबर्स नीचे गिवन है, आप कॉल या व्हाट्सअप करके हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.